फिलहाल हम लोग नरवाना तहसील में हाँ, और उरे भाई एक परिवार आ रहा है, एक 7-8 साल का बच्चा ने लेकर। इनका आरोप है कि जो जींद एकेडमी में ये बच्चा पढ़िया करता, इसके साथ मारपीट करी है, मतलब अधमरा कर दिया जो एकेडमी में जिसमें ये पढ़िया करता, तो उस परिवार से बातचीत करांगे। पूरा मामला के है, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हर्ष मोर वकील है। अच्छा, तो आपके बच्चे का क्या नाम है जो लड़का? मेरा बेटा का नाम युवान मोर है। कितने साल का? वो 9 साल की उम्र है उसकी। अच्छा, तो क्या घटना हुई है जो आप बोल रहे थे? उसको मैंने पिछले महीने 25 अप्रैल को मार्च को रॉयल डिफेंस एकेडमी है एक जींद सेक्टर 8-9 के पास, उसमें एडमिशन करवाया था। वो आर्मी स्कूल और सैनिक स्कूल की कहता है मैं तैयारी करवाता हूँ, परंतु तैयारी तो कुछ ही नहीं करवाता। वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना इतनी कर दी, बच्चा एक हफ्ता से बोल नहीं पा रहा है। अच्छा। बच्चा आज परिजनों को देख के थोड़ा हाँ बोलने चलने लग गया है, और जैसा कि मेरा अंदाज़ा है वो इंसान अशोक कुमार है एक। अच्छा। जैसे कि साथियों ने बताया भी है कि वो नशे में बच्चों को प्रताड़ित करता है। जैसे आपके बच्चे के साथ मारपीट करी, इसमें देख भी रहा है, तो उसने क्या बताया, किस वजह से करी है आपने? उसने आज तक कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। अच्छा, तो आपने एफआईआर दर्ज करवाई? मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी सिविल लाइन थाना जींद में, एफआईआर नंबर 124। अच्छा। जिस पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा। वो धन बल के सहारा लेकर, राजनीतिक सहारा है, जैसा कि आज अभी पंचायतों ने बताया है, पंचायती सरदारों ने बताया है कि उसकी एकेडमी का रिबन कमलेश डांडा बाल विकास मंत्रालय के द्वारा काटा गया है। अच्छा। और मैडम मंत्री जी, आज आप देख लें, आपके ही हलके का, आपके ही हलके के गांव शिमला का, आप पे जिसका महकमा है बाल विकास मंत्रालय, और उस मंत्रालय के अंतर्गत आप के गांव, आपके हल्के के बच्चे का इतनी बर्बरता क्रूरता की गई है, मैडम ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया इस मामले में। जी, तो जो लड़के की माता जी है उससे बातचीत करेंगे। मैम, लड़के ने कुछ बताया किस तरह की मारपीट हुई की? नहीं, उसने जैसे आया ना, इसके छोटे भाई के बर्थडे पे हम इसको लेके आए थे सैटरडे को, संडे को उसका बर्थडे था, तो इसने कुछ नहीं बताया, 1-2 घंटा ऐसे खेलता रहा। हमने पूछा है बार बार, बेटा कोई दिक्कत नहीं, कुछ दुख तो नहीं रहा, पेट वगैरह दर्द तो नहीं है? तो इसने ऐसा कुछ नहीं बताया। ऐसे जैसे दोनों भाई खेल रहे थे तो उससे इसको कुछ लगा, बेड पे लेट रहा था, तो इसने एकदम से, हाँ मम्मा ऐसे क्यों, क्या हुआ बेटा? कह रहा मेरा यहाँ से दुख रहा है। जब हमने देखा, मतलब कि देख नहीं, इसके ऐसा हाल था इस बच्चे का, मतलब ये मान लिया कि हमने इतना दर्द में भी घर आने पर भी बच्चे ने कुछ नहीं बताया, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं हम? बाकी हम तो आपका धन्यवाद करेंगे कि आप आए, इसको नया दिल लाने में हमारी मदद कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहोगे, कानून कार्रवाई नहीं हो रही है, आपने पुलिस ने, जैसा कि मैंने दरखास्त में भी लिखा था, एकेडमी संचालक और अध्यापक विवेक का नाम एफआईआर में दर्ज करें। पुलिस ने एफआईआर में अकेले अध्यापक विवेक का नाम दर्ज करवा दिया, और उसका नाम दर्ज करने के बाद इस अशोक कुमार ने अपनी एकेडमी से इसको भगा दिया। जिस जो कि आज फरार है, इसके फरार करने में मुख्य आरोपी, मुख्य हाथ एकेडमी संचालक डॉक्टर अशोक कुमार का है। दो नए बच्चे आए थे, वो दोनों मेरे बेड पे आ गए। हाँ। फिर वो खेलने लग गए, मैं भी उनके साथ खेलने लग गया। उन दोनों में से एक खेलते खेलते एक बच्चा नीचे गिर गया। फिर सर ने सोचा कि हम दोनों ने उसको गिराया, इसलिए। अच्छा, तेरे साथ मारपीट करी फिर? हाँ। तने घर पे बताया फिर, या फिर खुद ही पता चल गया जब आप घर आए? रात को मेरी मम्मी मेरे कपड़े बदलने लगी जब देखा। चलो ठीक है, छोटा कर पे क्यों नहीं बताया? मास्टर ने मना करा था बताने के लिए। हाँ, मना करा था मास्टर ने, बताइए ना। धमकी दे यार, खतरा बच्चे का सदमे में था ये बिल्कुल बहुत ज्यादा। जो बात हो ये बता बेटा, बता बेटा। कोई ना, कोई ना, सदमे में था। जैसा कि बच्चा बता रहा है, इसको एकेडमी संचालक ने जान से मारने की धमकी दी। अगर घर बताया तो, ये बच्चे ने बताया ये बात उसी दिन नहीं, बता क्या, ये बात इसने 3 तारीख को दोपहर बाद बताई है कि आपने, जब हम इसका एकेडमी से सारा सामान ले आए ना, तो ये थोड़ा खुला बोलने चलने लग गया, तब बताया इसने। हमने पूछा अपने एकेडमी संचालक को क्यों नहीं बताया,
उन्होंने कहा पापा मेरी 30 तारीख को ही नहीं 22 तारीख को भी ऐसे ही पिटाई हुई थी। और 22 तारीख को जब मैंने एकेडमी संचालक डॉक्टर अशोक कुमार को बताया तो वो दुष्ट उस राक्षस ने क्या कहा, इस छोटे बच्चे को 9 साल का बच्चा परमात्मा का रूप है, कलेजे का टुकड़ा निकाल कर माँ बाप ने अपने से बड़ा मान के गुरुजनों के पास छोड़ा था बच्चा, ना कि लटखाण ने। और उसने क्या कहा इस बच्चे को, अगर किसी को बताया तो तेरे को जान से मार दूंगा। हर दम नशे में रहता है वो आदमी, नशेड़ी है जैसा कि मेरे को सुनने में आया। 22 तारीख को इसकी पिटाई हुई, 22 तारीख को शुक्रवार को, और 24 को पेरेंट्स डे था तो ये बेटा गया, छोटा बेटा लेकर वो बीमार हो गया इसका मारा। माँ भाई छोटू ले जा थोड़ा देखा ठीक हो जाकर, बच्चा 2 घंटे रहा उसके पास खेला, लेकिन इसको ये नहीं पता बताया भाई मैं परसों में पिटिया हूँ, न्यू लठ मार रखे थे। मैं तन क्यों नहीं बता, नहीं बोलिया अगर मैं बता देता पापा ने फिर मैं पापा स्कूल वालों को डांटते, वो फिर मुझे दोबारा फिर पिटते दादा लिया। वो डरते नहीं इसलिए, और उस दिन तो ये मारा तीन बताया कभी नहीं गया भाई मैं लियाऊ हूँ। मेरे छोटे पोते का जन्मदिन था 1 तारीख का, और 30 तारीख ने श्याम नहीं तो चांद तक देखा हमने, मम भी बहुत खुश हो एकदम आ गया। और लेकिन थोड़ी देर के बाद थोड़ा मायूस तो ही था, कुछ खावा नहीं पीवे नहीं, हाँ हल चल इसका दुख है, इबा हमने बेरा नहीं किया दुख इसका, बोले मेरे यहाँ से दुख रहा है। फिर हमने इसका कच्छा काट कर देखा, दोनों कच्छे काट कर देखे, रे जुल्म तेरा नाश हो जा, न्यू क्यों कर मारा है बेटी, तो दिमाग खड़िया कर था वो मास्टर रे कसाई तो पूरा परिवार है आज उरे नरवाना तहसील में पहुंच रहा है। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर करियो, और भाई एफआईआर कटवा दी है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही कारण कार्रवाई, तो इस वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर करियो।